हेलो दोस्तों, आज का जो शारजहाँ हंड्रेड लीग का जो इंटर ग्लोब मरीन वर्सेज जेड गेम्स के स्ट्राइकर्स के बीच में जो मैच होने वाला है दोस्तों, उसके बारे में हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों, लास्ट मैच के अंदर कुछ की प्लेयर्स मिसिंग रहे थे, उनका रिकॉर्ड भी आपको यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ। साथ में दोस्तों, कौन कौन से इस मैच के की फैक्टर रह सकते हैं, क्या कुछ परफॉर्मेंस रही है दोस्तों रिसेंटली, वो भी आपको यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ। दोस्तों, इस मैच की जो भी अपडेट रहती है या फिर कोई भी न्यू प्लेयर आएगा उसका रिकॉर्ड दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर पे ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस मैच के बारे में बात कर लेते हैं। इस मैच की दोस्तों ड्रीम इलेवन टीम बनाने से पहले इनके जो रिकॉर्ड रहे हैं पहले हम वो कवर कर लेते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पे ड्रीम इलेवन की टीमें क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस वेन्यू के बारे में देखें, शारजहाँ क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर ये मैच होने वाला है। पहले बैटिंग करने वाली टीम का एवरेज स्कोर दोस्तों लास्ट 10 मैचेज के अंदर 118 रन रहा है, चेज करने वाली टीम का 138 रन रहा है। लास्ट 10 में से जो चार मैच जो रहे हैं वो पहले बैटिंग करने वाली टीम ने विन किए हैं, चेज करने वाली टीम ने दोस्तों 6 मैच विन किए हुए हैं। लास्ट के जो पाँचों के पाँचों मैच जो रहे हैं दोस्तों, एक मैच टाई हुआ था, बाकी चारों मैच जो रहे हैं वो चेज करने वाली टीम ने ही विन किए हुए हैं। हेड टू हेड दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच में वैसे तो हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं है। अगर दोस्तों जेड गेम्स का अगर किसी और नाम से क्लब हुआ तो मैं आपको सर्च करके बता दूंगा कि अगर इनके बीच में कोई भी हेड टू हेड हुआ तो उसका रिकॉर्ड मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर भेज दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंटरग्लोब मरीन के बारे में बात करें दोस्तों, स्ट्रॉन्ग स्क्वाड रहने वाली है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों साइड से यही स्ट्रॉन्ग रहेगी दोस्तों, अच्छी ऑप्शन रहने वाली है इस मैच के अंदर। इंटरग्लोब मरीन को आप अगर विन करवाते हो तो उसके हिसाब से आप दोस्तों तकरीबन 7-4 या 8-3 का कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे रख सकते हैं। बैटिंग डिपार्टमेंट की बात करें दोस्तों, ओपनिंग करने वाले यासिर खान लास्ट मैच के अंदर 50 लगाई थी, अगर रिकॉर्ड देखें 101 मैच के अंदर 3702 रन बना चुके हैं, 30 50 और 4 सेंचुरी इनके नाम रही। लास्ट मैच के अंदर 50 लगाई थी दोस्तों, बहुत अच्छी ऑप्शन रहने वाली है इस मैच के अंदर, जो चलने की भी संभावना रहने वाली है क्योंकि दोस्तों सामने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं रहने वाली। संदीप सिंह सैंडी दोस्तों लास्ट मैच के अंदर 40 रन की पारी खेली थी, लास्ट तीनों इनिंग्स का अगर रिकॉर्ड देखें दोस्तों रिसेंटली अच्छी फॉर्म में ये रहे हैं, 268 मैच के अंदर 7890 रन बना चुके हैं। दोस्तों कभी कभी पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते हैं, 48-50 लगाई हुई, 10 सेंचुरी भी इनके नाम रही है दोस्तों। रिसेंटली लास्ट तीनों इनिंग इनकी अच्छी रही है, लास्ट मैच के अंदर भी 40 रन की पारी खेली थी। विष्णु सुकुमार की बात करें दोस्तों, नंबर 3 के ऊपर खेलेंगे, लास्ट मैच के अंदर 21 रन जरूर बनाए थे दोस्तों, लेकिन लास्ट 5 इनिंग्स के अंदर पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं, 163 मैच के अंदर 4180 रन बना चुके हैं, 32 की एवरेज रहती है, 24-50 और 2 सेंचुरी इनके नाम रही है। हजरत लुकमान को दोस्तों लास्ट मैच के अंदर प्रमोट किया गया था, इस मैच के अंदर भी ये नंबर 4 के ऊपर ही खेलने वाले हैं, 94 मैच के अंदर 577 रन, 94 विकेट इनके नाम रहे हैं। साथ में दोस्तों ये आपको बॉलिंग भी करके दे सकते हैं, अगर रिकॉर्ड देखें तो रिसेंटली लास्ट 5 इनिंग्स के अंदर 150 भी इनके नाम रही है, लास्ट मैच के अंदर 29 रन बनाए थे, लास्ट 5 इनिंग्स के अंदर 3 विकेट भी इन्होंने निकाले हुए हैं। उमर फारूक की बात करें दोस्तों, 206 मैच के अंदर 2818 रन, 275 विकेट इनके नाम रहे हैं दोस्तों, लास्ट मैच के अंदर भी 1 विकेट इनके नाम रहा था, बैटिंग में भी नंबर 5 के ऊपर खेल रहे हैं तो दोस्तों अगर बैटिंग आती तो अच्छी खासी हिटिंग भी ये कर लेते हैं। तो की राशि की बात करें दोस्तों, लास्ट दोनों मैच के अंदर 2-2 विकेट इनके नाम रहे हैं, 170 मैच के अंदर 3264 रन बना चुके हैं, 164 विकेट इनके नाम रहे हैं, लेकिन दोस्तों इनका जो मेन काम रहने वाला वो रहेगा बॉलिंग साइड से, बैटिंग इनकी थोड़ी सी लो ऑर्डर के अंदर आ रही है और बैटिंग के अंदर इतनी अच्छी फॉर्म इनकी रिसेंटली नहीं रही है, लेकिन दोस्तों बॉलिंग साइड से हर मैच के अंदर विकेट निकाल रहे हैं। अब्दुल रहीम लास्ट मैच खेले थे, 7 मैच खेल चुके हैं, 225 रन इनके नाम रहे हैं, थोड़ा सा लो ऑर्डर के अंदर खेलेंगे, बाकी बॉलिंग नहीं करते हैं। दानिश कुरैशी 88 मैच के अंदर 98 विकेट इनके नाम रहे हैं, लास्ट मैच में भी 1 विकेट इन्होंने निकाला था। तैमूर भाटी की बात करें दोस्तों, लास्ट मैच के अंदर इन्होंने बॉलिंग नहीं की थी, 54 मैच के अंदर 54 विकेट इनके नाम रहे हैं, लास्ट 5 इनिंग्स के अंदर 6 विकेट भी निकाल चुके हैं। हैरी भारवाल की बात करें दोस्तों, लास्ट मैच के अंदर भी मैंने बताया था कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए इस मैच के अंदर भी रहने वाला दोस्तों, क्योंकि स्पिनर्स को यहाँ पर मदद मिलती है, स्पिनर्स को यहाँ पे अगर दोस्तों कंपेयर करें स्पेसर के साथ में तो ज़्यादा विकेट मिले हैं स्पिनर्स को, 174 मैच के अंदर 223 विकेट निकाल चुके हैं, लास्ट मैच के अंदर भी 2 विकेट इन्होंने निकाले थे। आसिफ मुमताज ने दोस्तों लास्ट मैच के अंदर बॉलिंग नहीं की थी, इस मैच के अंदर भी श्योर नहीं है कि करेंगे या नहीं करेंगे। इनके अलावा दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर्स रहने वाले हैं, उनमें कुछ की प्लेयर्स रहेंगे दोस्तों, आसिफ खान अगर खेलते हैं तो ओपनिंग करेंगे, हामिद खान की बात करें अगर ये खेलेंगे तो ये भी ओपनिंग करेंगे, दोनों के दोनों ओपनर हैं, अगर खेलते हैं डायरेक्ट अपनी टीम के अंदर पिक कर लीजिएगा। अटैकिंग प्लेयर रहने वाले दोनों के दोनों ही दोस्तों आप यहाँ पे स्ट्राइक रेट दे सकते हैं, आसिफ खान की 157 की रहती है, वहीं पर हामिद खान की 212 की स्ट्राइक रेट रहती है T20 के अंदर। मोहम्मद जाहिद की बात करें दोस्तों, विकेट टेकर बॉलर रहेंगे, अगर खेलेंगे तो पूरी की पूरी 20 बॉलें करने वाले हैं और ज़्यादातर बॉलें इनकी डेथ ओवर्स के अंदर ही आने वाली है। शाहनवाज खान स्पिनर रहने वाले हैं, 269 मैचेज के अंदर 313 विकेट इनके नाम रहे, 5000 रन भी इनके नाम रहे, बाकी बैटिंग थोड़ा सा लो ऑर्डर के अंदर करने वाले हैं। बादल हमीद दोस्तों रिसेंटली 2022 से खेले नहीं है, 100 मैच के अंदर 2918 रन इनके नाम रहे। सीपी रिजवान की बात करें दोस्तों, अगर ये खेलते हैं तो ओपनिंग भी कर सकते हैं, नंबर 3-4 के ऊपर भी खेल सकते हैं।
साथ में ये दोस्तों ये रिसेंटली बॉलिंग भी करते हैं। लास्ट 5 इनिंग्स का रिकॉर्ड देखें तो हर मैच के अंदर इनकी परफॉर्मेंस रहती है। लास्ट 5 मैच के अंदर 3 विकेट भी निकाले हुए हैं। जेड गेम्स की बात करें दोस्तों, रिसेंटली थोड़ा सा खराब स्क्वाड रहने वाली है। लास्ट मैच के अंदर जरूर 11 इसको यहाँ पे हराया था इस मैच के अंदर, लेकिन दोस्तों इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी नहीं रही थी, लो स्कोरिंग मैच वो रहा था। बाकी बॉलिंग साइड से ही इन्होंने वो मैच विन किया था। जैनुल्ला की बात करें दोस्तों, ओपनर रहते हैं लेकिन दोस्तों इनकी भी खराब फॉर्म चल रही है। रिसेंटली अगर देखें तो 150 जरूर इनके नाम रही है, वो भी दोस्तों सामने वीक स्क्वेड थी और इस मैच के अंदर आपको अच्छी खासी स्क्वेड देखने को मिलने वाली, तो चलने की बहुत कम संभावना यहाँ पे रहने वाली है। शाहरुख खमैन 149 मैच के अंदर 3428 रन इनके नाम रहे हैं। लास्ट 5 इनिंग्स का रिकॉर्ड देखें तो 21 रन इनका ये स्कोर आया है, जिनमें से 4 इनिंग्स के अंदर 10 रन से ऊपर नहीं जा पाए हैं। यहाँ पे दोस्तों साफिर तारिक इनके की प्लेयर्स रहेंगे, नंबर 3-4 के ऊपर खेलेंगे। लास्ट मैच में 4 नंबर पर भेजा गया था, लेकिन दोस्तों ये इनका अटैकिंग प्लेयर रहने वाला है। रिकॉर्ड भी शानदार रहा है, 95 मैच के अंदर 2950 रन बना चुके हैं, 39 की एवरेज रहती है। लास्ट मैच के अंदर डक पर आउट हो गए थे, लास्ट मैच को हटा दिया जाए दोस्तों तो हर मैच के अंदर स्कोर कर रहे हैं और रिसेंटली अच्छी फॉर्म में रहे हैं। लवप्रीत सिंह की बात करें दोस्तों, अंडर 19 के प्लेयर रहेंगे। लास्ट मैच के अंदर 45 रन जरूर बनाए थे दोस्तों, लेकिन इस मैच के अंदर आपको सामने जो स्क्वाड रहेगी उनकी बॉलिंग यूनिट अच्छी रहने वाली है, तो इनकी चलने की संभावना भी बहुत कम है यहाँ पे रहने वाली है। सरदार बादादा दोस्तों रिसेंटली बॉलिंग भी नहीं करते हैं और बैटिंग साइड से अगर देखें तो लास्ट 7 इनिंग्स के अंदर 49 रन इनका यह स्कोर रहा है। लास्ट मैच के अंदर 7 रन बना के आउट हो गए थे। आहान फर्नांडेज 73 मैच के अंदर 1738 रन। मोहम्मद इस्माइल की बात करें दोस्तों, स्पिनर रहने वाले हैं, इनको आप अपनी टीम के अंदर ट्राई कर सकते हैं। 57 मैच के अंदर 66 विकेट इनके नाम रहे हैं। ग्लेन फर्नांडेज दोस्तों लास्ट मैच के अंदर भी मैंने बताया था इनको, क्योंकि स्पिनर्स को यहाँ पे विकेट मिलते हैं और 2 विकेट ये भी निकाल गए थे लास्ट मैच के अंदर। 20 मैच के अंदर 187 रन 28 विकेट निकाल चुके हैं। मुबीन अली दोस्तों ये इनके की बॉलर्स रहने वाले हैं, पूरे के पूरी 20 बॉलर करने वाले हैं। 195 मैच के अंदर 222 विकेट इनके नाम रहे, लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट इन्होंने भी निकाले थे। फैजल अल्ताफ 137 मैच के अंदर 142 विकेट। अब्दुल मलिक 61 मैच के अंदर 60 विकेट इनके नाम रहे। इनके एक्स्ट्रा प्लेयर्स की बात करें दोस्तों, इनमें जो की प्लेयर्स रहेंगे वो रहेंगे वकास अहमद, अगर खेलते हैं तो ओपनिंग करने वाले हैं। रिसेंटली बहुत अच्छी फॉर्म में रहे हैं दोस्तों, लास्ट 5 इनिंग्स के अंदर 250 और 1 सेंचुरी इनके नाम रही है। एन मुस्लिम यार की बात करें, 76 मैच के अंदर 2605 रन 31 विकेट। आदित्य सेठी दोस्तों अगर खेलते तो आप इनको भी रख सकते हैं, स्पिनर रहेंगे। रिसेंटली अच्छी फॉर्म भी इनकी रही है, लास्ट 5 इनिंग्स के अंदर 7 विकेट निकाल चुके हैं। उमर यासिन दोस्तों ये अटैकिंग प्लेयर रहने वाला है और काफ़ी ज़्यादा रन इनके नाम रहे, लेकिन दोस्तों लास्ट 5-6 इनिंग्स का रिकॉर्ड जैसे कि मैंने निकाल के देखा है बहुत ज़्यादा लो ऑर्डर के अंदर खेल रहे हैं। 192 रन की पारी भी इनके द्वारा लास्ट 5 इनिंग्स के अंदर आई हुई है। बाकी दोस्तों यहाँ पे ड्रीम इलेवन टीम के अंदर देखें तो विकेट कीपिंग ऑप्शन के लिए आपको 3 अच्छी ऑप्शन रहेगी, या तो तीनों के तीनों ही दोस्तों की प्लेयर्स रहने वाले हैं। यासिर कलीम ओपनिंग करेंगे, संदीप सिंह ओपनिंग करेंगे, साफिर तारिक दोस्तों तो अटैकिंग प्लेयर रहेगा दोस्तों, इस प्लेयर को मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये गेम बदल सकता है कभी भी। अगर 10-12 बॉल खेल गया तो दोस्तों अच्छी खासी स्कोर आपको करके दे सकता है। स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छी रहती है और इनका रिकॉर्ड भी बहुत शानदार रहा है। लास्ट मैच को छोड़ दिया जाए तो किसी भी मैच के अंदर अभी तक 10 रन से कम रन इनके नहीं रहे हैं लास्ट 20 इनिंग्स के अंदर। दोस्तों अगर इनका रिकॉर्ड जैसा कि आप देख सकते हैं कि लास्ट 5-6 इनिंग्स के अंदर इन्होंने 1 सेंचुरी भी इनके नाम रही और 150 भी इन्होंने लगाई थी। बैटिंग डिपार्टमेंट की बात करें दोस्तों, लवप्रीत सिंह को मैं यहाँ पे ड्रॉप करने वाला हूँ। लास्ट मैच के अंदर दोस्तों तो 11 एस की जो बॉलिंग रही थी वो थोड़ी सी खराब रही थी, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग यूनिट देखने को मिलने वाली है। तो क्रिया से तो आपको पूरी 20 बॉलें करके देने वाले हैं। लास्ट मैच के अंदर भी दोस्तों 2 विकेट ये निकाल गए थे। दोस्तों दूसरे ऑप्शन की बात करें, अगर आसिफ खान खेलते तो डायरेक्ट पिक कर लीजिएगा। विष्णु सुकुमार के रिकॉर्ड के हिसाब से तो लास्ट 5-6 इनिंग्स के अंदर बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं। लास्ट मैच के अंदर जरूर इन्होंने 21 रन बनाए थे। अगर दोस्तों यहाँ पे इंटरग्लोब मरीन पहले अगर बैटिंग करती है तो आप इनको रख सकते हैं, पहले बैटिंग करने से हो सकता है इनकी बैटिंग आ जाए, चेंज करते टाइम तो मुश्किल ही रहने वाली है। यहाँ पे दोस्तों दूसरे ऑप्शन की बात करें तो अगर आमिर खान अगर यहाँ पे खेलते तो आप इनको भी रख सकते हैं, ये भी अच्छी ऑप्शन है रहने वाली है। अटैकिंग प्लेयर रहेंगे, ओपनिंग करेंगे। बाकी ऑलराउंडर्स की बात करें दोस्तों, उमर फारूक रिसेंटली अच्छी फॉर्म इनकी रही है और अरबियन T20 लीग के अंदर भी हर मैच के अंदर विकेट निकाले थे। लास्ट मैच के अंदर भी 1 विकेट निकाला था। ग्लेन फर्नांडेज दोस्तों ये इनका की बॉलर्स रहेगा, 20 मैच के अंदर 28 विकेट अभी तक इनके नाम रहे, लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट निकाले थे। स्पिनर रहेगा दोस्तों, स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिलती है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्पिनर्स को मिस मत कीजिएगा। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें दोस्तों, 5 बॉलर्स को यहाँ पे पिक किया हुआ है। मैं मान के चल रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे कि जेड गेम्स जो रहेगी वो पहले बॉलिंग करने वाली, तो इनके बॉलर्स को भी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ क्योंकि दोस्तों बैट्समैन की चलने की संभावना बहुत ही कम रहने वाली है। बॉलिंग अगर बॉलिंग साइड से 20-20 बॉलें करते हैं तो हो सकता है एक आधा विकेट इनके हाथ में लग जाए, बाकी बैटिंग साइड इनकी बहुत ज़्यादा वीक रहने वाली है। हजरत लुकमान दोस्तों नंबर 4 या 5 के ऊपर खेलने वाले हैं। लास्ट मैच के अंदर भी अच्छी बैटिंग इन्होंने की थी, अटैकिंग प्लेयर है दोस्तों, साथ में आपको बॉलिंग भी करके दे सकते हैं। फैजल अल्ताफ की बात करें दोस्तों, लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट ये भी निकाल गए थे। 135 मैच के अंदर 141 विकेट अभी तक इनके नाम रहे हैं।
हैरी बारवाल दोस्तों, ये इनके की बॉलर्स रहेंगे। हर मैच के अंदर विकेट निकालते हैं, लास्ट मैच के अंदर भी दो दो विकेट इन्होंने निकाले थे। पूरी पूरी 20 बॉले करने वाले हैं सामने दोस्तों। वीक स्क्वाड रहेगी तो इनके हाथ में कम से कम 2-3 विकेट लगने की पूरी पूरी इस मैच के अंदर संभावना रहने वाली है। कैप्टन वाइस कैप्टन की भी अच्छी ऑप्शन रहने वाली है, लास्ट मैच के अंदर भी मैंने बताया था इस बात में। यहाँ पे दोस्तों तो दानिश कुरैशी भी पूरी की पूरी 20 बॉलें करने वाले, लास्ट मैच के अंदर एक विकेट मिला था, लेकिन सामने वीक स्क्वाड रहेगी तो इनके हाथ में भी अच्छे विकेट लगने की चांसेस रहने वाले हैं। मुबीन अली को पिक किया दोस्तों, तो अगर आप यहाँ पे चाहें तो मुबीन अली की जगह इस्माइल को यहाँ पे पिक कर सकते हैं। वो स्पिनर्स रहने वाले हैं, ये भी ये पेसर्स रहने वाले हैं, दोनों के दोनों से दोस्तों सेम पोजिशन पर रहने वाले हैं। जो इकोनॉमी और बॉलिंग एवरेज दो विकेट रहते हैं दोस्तों, दोनों के दोनों प्लेयर्स के सेम है रहे हैं दोस्तों। तैमूर भाटी इस मैच का अगर की फैक्टर बन सकता है दोस्तों, क्योंकि लास्ट मैच के अंदर बॉलिंग नहीं करवाई गई थी, हो सकता है इस मैच के अंदर ये बॉलिंग कर सकता है। ग्रैंड लीग अगर आप रिस्क की टीम बना रहे हो तो आप इनको जरूर ट्राई कीजिएगा। मोहम्मद जाहिद अगर खेलते हैं तो दोस्तों ये इनसे अच्छी ऑप्शन तो इनमें नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये विकेट टेकर बॉलर है और हर मैच के अंदर विकेट निकालता है। अगर खेलेगा तो पूरी 20 बॉलें श्योर है कि ये करने वाला है। यहाँ पे दोस्तों कैप्टन वॉइस कैप्टन के लिए अगर देखें तो हैरी बारवाल को दोस्तों मैंने कैप्टन बनाया हुआ है। वॉइस कैप्टन के लिए दोस्तों यासिर करीम बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन रहने वाली है, अटैकिंग प्लेयर रहेंगे दोस्तों। लास्ट मैच के अंदर ही 50 लगाई हुई है। और दोस्तों आप यहाँ पे संदीप सिंह को भी ट्राई कर सकते हैं, संदीप सिंह का रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है। लास्ट तीनों इनिंग्स के अंदर दोस्तों 250 लगा चुके हैं, लास्ट मैच के अंदर भी दोस्तों 30+ की इनिंग इन्होंने खेली थी। इनके अलावा दोस्तों अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहें तो आप यहाँ पे दोस्तों उमर फारूक के ऊपर ले सकते हैं, इनको भी कैप्टन वॉइस कैप्टन ट्राई किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहें तो आप साफिर तारिक को कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई कीजिएगा। अटैकिंग प्लेयर है दोस्तों, लास्ट मैच के अंदर भी जल्दी आउट हुआ है ये, लेकिन दोस्तों इनका रिकॉर्ड बहुत शानदार रहने वाला है।